तो आपको पेज नंबर 42 में मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन, मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6, मोर प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 6 में है, जस्ट हैज 123.75 रुपीस, मंजू हैज 10 टाइम्स मोर मनी। जस के पास जितना पैसे है उससे 10 टाइम्स ज्यादा है मंजू के पास। हाउ मच मनी डज मंजू है, मंजू के पास कितना है? तो जस के पास है, जस के पास टोटल है 123.75 रुपीज, ठीक है। और मंजू के पास कितना है? मंजू के पास इसके इससे 10 गुना ज्यादा है, ठीक है, 10 गुना 10 टाइम्स मोर देन जस। तो 10 टाइम्स मोर देन जस मतलब कि 123.75 प्लस 10 मल्टीप्लाई 123.75, यानी उससे जस के पास जितने पैसे है उससे 10 गुना ज्यादा है। तो मंजू के पास कितना हो गया? 123.75 रुपीज प्लस 10 × 123.75। यदि 10 टाइम्स मोर नहीं लगा रहा था, मोर देन यदि नहीं होता तब हम 123.75 को प्लस नहीं करते। यदि क्वेश्चन में ये रहता कि मंजू हैज 10 टाइम्स देन जस, मोर नहीं लगा रहता तब हम इसको प्लस नहीं करेंगे। मोर लगा हुआ है इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे। तो इतना इक्वल टू हो गया 123.75 प्लस, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे है, तो एक डिजिट आगे यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 1237.5, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो भी आंसर होगा इतने पैसे हो गए आपको मंजू के पास। अब है आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है प्रीति इज 3.2 इयर्स ओल्ड, हर फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हर। प्रीति का जो एज है, प्रीति का एज है 3.2 इयर्स, प्रीति का एज है 3.2 इयर्स। सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लो, 3.2 इयर्स है कृति का एज और उसके फादर का एज है 10 टाइम्स। उसके फादर का एज है 10 मल्टीप्लाई 3.2, यानी जितना कृति का एज है उसके 10 गुना एज है उसके फादर का। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमल यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 के बाद, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 32 इयर्स, यानी उसके फादर का एज हो गया 32 इयर्स। अब इसके जो ग्रैंड फादर है, कृति के जो ग्रैंड फादर है उसका एज है 2.14 टाइम्स, उसके फादर के एज का 2.14 टाइम्स है, यानी ग्रैंड फादर का एज है, ग्रैंड फादर का जो एज है हो गया 2.14 मल्टीप्लाई 32 इयर्स, ठीक है। जो भी आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करके वो हो जाएगा उसके ग्रैंड फादर का एज, ओके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 8 में द लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल इज 42.7 मीटर। कुणाल स्विम 6.8 लेंथ ऑन मंडे, 7.12 लेंथ ऑन वेडनेसडे, 9.63 लेंथ ऑन फ्राइडे एंड 12.8 लेंथ ऑन संडे। व्हाट डिस्टेंस डज ही स्विम ऑल टुगेदर? तो इसमें ये कह रहा है कि जो स्विमिंग पूल है इसका जो लेंथ है वो है 42 पॉइंट। ये कोई स्विमिंग पूल है? ये आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कोई स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल का जो लेंथ है, यानी कि मान लो यहाँ से ये स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है पूरे, इसका जो लेंथ है ये 42.7 मीटर। अब कुणाल जो है 6.8 लेंथ जो है ऑन मंडे, वन लेंथ का मीनिंग होता है 3.18 ऑफ द पूल टू द अदर। यानी कि कोई यदि एक वन लेंथ यदि वन लेंथ वो स्विम करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आए, टू लेंथ स्विम किया इसका मतलब फिर यहाँ से यहाँ आए, ठीक है। तो कुणाल ने जो है मंडे को, कुणाल ने मंडे को 6.8 लेंथ किया, तो मंडे को वो टोटल कितना डिस्टेंस गया, मंडे को वो टोटल कितना स्विम किया, तो 8 मल्टीप्लाई 42.7 मीटर मंडे को स्विम किया। फिर उसके बाद मंडे को इतना किया, फिर ट्यूजडे को मंडे को इतना, फिर वेडनेसडे को किया, वेडनेसडे को जो है वो स्विम किया, वेडनेसडे को टोटल लेंथ जो स्विम किया 7.12 6.8 लेंथ, मंडे को किया 7.12 मल्टीप्लाई 42.7 मीटर वेडनेसडे को। उसके बाद फ्राइडे को, फ्राइडे को वो टोटल लेंथ 9.63 लेंथ किया, ठीक है, एंड 12.8 लेंथ ऑन संडे। फिर संडे को उन्होंने 12.8 लेंथ किया। व्हाट डिस्टेंस डज ही स्विम टुगेदर? तो टोटल कितना वो जो है लेंथ स्विम किया, तो इसको इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वो यहाँ पे लिख देना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यहाँ पे लिख देना है, फिर इसका जो है सो यहाँ पे लिखना है और इसका जो है सो यहाँ पे लिखना है और फिर इन सभी को ऐड कर देना है, ठीक है, इतना डिस्टेंस जो है वो स्विम किया, ठीक है।